डॉक्टर साहिद बटरफ्लाई, फॉर्मर प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने छठी बार सीमी पर बैन लगाया है, इससे पहला रिएक्शन आपका क्या है? सीमी पर कांग्रेस गवर्नमेंट तरफ से चौथा और टोटल छठा बैन है। कोर्ट में साबित हो जाने के बाद भी कि सीमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, कांग्रेस गवर्नमेंट तरफ से बार बार बैन लगाना ये कांग्रेसी आतंकवाद की बदतरीन मिसाल है। कांग्रेस एक तरफ तो दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि हमारे पास सबूत है कि बीएचपी वायु दल के लोग बम बनाते हैं लाइक दिस, एक तरफ अभिनव भारत के मेंबर साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित शामिल हैं मक्का मस्जिद मालेगांव समझौता एक्सप्रेस अजमेर ब्लास्ट में, वो जेल में होने के बाद भी उनकी संगठन अभिनव भारत पर पाबंदी नहीं है। ऐसी सनातन संस्था के लोग रगे हाथों पकड़े आते हैं गोवा ब्लास्ट में, लेकिन उसे पाबंदी नहीं है। और सिमी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, फिर भी पाबंदी पर पाबंदी कांग्रेस गवर्नमेंट आयद की गई चली आ रही है। हम इसको मुस्लिम दुश्मनी की बदतरीन मिसाल करार देते हैं और सिमी पर ये पाबंदी कांग्रेसी आतंकवाद की बदतरीन मिसाल है। 2001 में जब पहली पाबंदी लगी थी, पहला बैन लगा था, उस वक्त आपकी क्या एक्टिविटीज थी, क्यों बैन लगाया सरकार ने? ब्रीफ में 2001 में बैन लगा है, हम पे जो इल्जाम थे उसमें से कोई इल्जाम गवर्नमेंट हमारे खिलाफ साबित नहीं कर सकती, और वो सारी चीज़ें जो है रेत की दीवार पर ठहरी। एक झूठे इल्जाम थे हमारे ऊपर, क्योंकि 9/11 का वाक़ हो गया था और एक माहौल बन गया था इस तरह का, उसी बहती गंगा में बीजेपी गवर्नमेंट ने हाथ धो लिया, जो कि खुद मुस्लिम दुश्मनी पॉलिसी पर अमल पैदा थी, बिलावजह बिला जवाब पाबंदी थी, जो बाद में कोर्ट ने भी साबित किया कि हाँ ऐसी पाबंदी बिला जवाब लगाई गई। बैन लगने के बाद से अब तक पिछले 10 साल में 11 साल में लगभग कई सौ मुस्लिम नौजवानों को पुलिस ने उठाया है, अरेस्ट किया है और उनको कहा है कि सिमी के मेंबर्स थे और डिफरेंट ब्लास्ट में उनको एक्यूज किया है, क्या कहना है आपका इससे? गवर्नमेंट ने ये मान लिया है कि जो कभी एक बार सिमी का मेंबर रहा हो वो या हमेशा हमेशा उसका मेंबर है, और नई नई असलाहत सिमी मेंबर्स, एक सिमी मेंबर्स, सिमी सिंपथाइजर्स, प्रो सिमी, ये जैसी असलाहत गवर्नमेंट हमारे खिलाफ वजह कर रही है। इसके अलावा 51 नामों की लिस्ट है कि इन इन बदले हुए नामों से सिमी के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें बीच में एक बात कहनी है कि कोई भी अगर कोई संगठन बनाना चाहता हो तो पहले वो लिस्ट देख ले कि कहीं ऐसा ना हो कि वो नाम ऑलरेडी बैन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट इस तरह काम कर रही है कि किसी को भी उठाया कि नेक है, नमाजी है और इस तरह की चीज़ें, तो कहा था सिमी का वो मैगजीन हमारे खिलाफ पेश की गई कोर्ट में कि हम इसको निकालते रहें, और कहा गया कि इसमें चूंकि डेमोक्रेसी के खिलाफ बात की गई है, इसमें इस्लामी तालीमात को खुल्लम खुल्ला पेश किया गया है, इसमें जिहादी तालीमात दी गई, इसलिए हम कहते हैं कि सिमी की बात। और ये भी कहा गया कि ये लड़का चूंकि नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, ये शादी में डाउरी नहीं लेता, ये स्मोकिंग नहीं करता, इसलिए मेंबर सिमी का। इन जैसी बातों को जो मॉरल वैल्यूज हैं, यानी समाज में कदरें हैं इंसानी बेहतरी की, अगर वो पाई जाती है तो क्या आप सिमी के मेंबर हैं, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया है हमारे खिलाफ। शुरू में जो बैन लगा था उसको आपने कंटेस्ट किया था, उसके खिलाफ आप कोर्ट में गए थे, ट्रिब्यूनल ने में आपने गए थे, और एक बार ऐसा भी हुआ है कि पिछले 10 साल में एक ट्रिब्यूनल ने आपके हक में फैसला किया था, ये जो छठा बैन लगा है क्या इसको भी आप कंटेस्ट करेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे? अगस्त 2008 में जस्टिस गीता मित्तल साहबा ने फैसला सुनाया कि सिमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, कांग्रेस गवर्नमेंट उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है और उसने सारे इंसाफ के तकादों को पामाल करती है, उसने हमारे खिलाफ इसे ले लिया, स्टे की आड़ में 2 साल की मुद्दत पूरी की गई और फिर नया बैन 2010 में लगा दिया गया। तो उस वक्त हमने हाई कोर्ट में पेश होकर के अपना एफिडेविट पेश किया कि चूंकि गवर्नमेंट बैन लगाती है, गवर्नमेंट ही ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करती है, गवर्नमेंट ही जज अपॉइंट करती है और खुद गवर्नमेंट ही उसके फैसले को नहीं मानती, गोया कि हुकूमत ने इसको अपना एक खेल तमाशा बना लिया है, तो हम मजीद इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी हमारे केस पेंडिंग है, हम चाहते हैं कि वहाँ से फैसला हो जाए, हम मजीद इस खेल का हिस्सा अब नहीं बनेंगे, ऐसा हमने वहाँ पे अपना बयान दाखिल किया। डॉक्टर शाहिद बदर, आप आजमगढ़ के हैं और आजमगढ़ पिछले 3 साल के अंदर जबरदस्त मीडिया में आया था, वर्ल्ड मीडिया में, इंडियन मीडिया में, बाटला हाउस इनकाउंटर के बाद। बाटला हाउस इनकाउंटर एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना, अभी भी इस इलेक्शन में बना था शुरू में, लेकिन सिमी पर बैन ये कभी भी पॉलिटिकल इशू नहीं बन पाया, क्यों? जब पाबंदी लगी थी सिमी पर तो उस टाइम हम तो जेल में थे, लेकिन जो अखबार और लोगों के बयान पढ़ने को मिले तो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड ने भी सिमी पर पाबंदी की मुखालफत की, जमात इस्लामी, जमीतुल उलमा, जमीत अहले हदीस, तमाम जमातों ने उसकी पाबंदी की मुखालफत की। उसके अलावा जितनी शख्सियात हैं, चाहे इमाम बुखारी साहब हों,
چاہے آپ مفتی مکرم صاحب ہوں، چاہے مولانا عبدالوہاب خلیلی صاحب ہوں، جتنی بھی اس طرح کی پرسنالٹیز، سب نے اس پابندی کی مخالفت کی. جو مسلم سیاسی لیڈرز ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں خود کانگریس میں ہوتے ہوئے سلمان خورشید کا ماننا ہے کہ پابندی بلاجہ لگائی گئی ہے. تو ہمارا ماننا تھا کہ مسلم جو امت ہے اس نے اس پابندی کی مخالفت کی. اب یہ کہ انداز الگ الگ ہوتے ہیں. اعظم گڑھ میں بٹلہ ہاؤس کے معاملے کو لے کر کے لوگ ٹرین بھر کے وہاں گئے، پروٹیسٹ کیا، ایک الگ انداز تھا. سیمی کے خلاف جو پابندی لگی ہے تو اس کے احتجاج کا الگ ایک ماحول تھا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں رہا معاملہ، الگ الگ ہے. یہاں پہ چونکہ ایک مقامی مسئلہ تھا اور مقامی لوگ ہی وہاں سے بھر کے گئے تھے وہاں پہ، لیکن سیمی کے خلاف پابندی پہ پورے ملک میں اس کا ریئیکشن رہا. لوگوں نے اپنے بیانات دیے، اپنا رد عمل ظاہر کیا ایک محدود دائرے میں، تو وہ بھی قابل قدر ہے. اور یہ جو بٹلہ ہاؤس کے بارے میں ہوا، یہ بھی قابل قدر ہے. آخری سوال مختصر میں، کہ کانگریس کو کہا جاتا ہے کہ ایک سیکولر پارٹی ہے، لیکن اس نے بھی ایک کے بعد ایک آپ پر چوتھی بار یہ بیان لگایا ہے. کانگریس انتہا دریا کی مسلم دشمن پارٹی ہے، اس کی اپنی تاریخ اس پہ گواہ ہے. سچر کمیٹی کی رپورٹ شاہد ہے کہ مسلمان کہاں تھا اور کہاں لا کے ڈال دیا گیا. یہ سب کانگریس کی اپنی کارستانیاں ہیں. سیمی پر مسلسل پابندی بلا جواز، یہ بھی اسی مسلم دشمنی کی کھلی مثال ہے. ہم کانگریس کو سب سے خطرناک پارٹی مانتے ہیں، اسلام دشمنی میں، مسلم دشمنی میں. بہت بہت شکریہ.